गर्ल यहाँ पे कहती है आप उतना को ले लो जितना आपको चाहिए, डू सिट डाउन दो, वार्म योर सेल्फ, हैव अ बोल ऑफ पोरेज बिफोर यू गो आउट। तो वहाँ पे उससे क्या कहती है, ठीक है आपको जितना चाहिए उतना ले लो, बट उससे पहले आप यहाँ पे बैठ जाओ, मीन्स नियर टू द फायर, आप फायर के पास बैठ जाओ, अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर लो, बिकॉज इट्स अ वेरी कोल्ड कोल्ड डे ड्यूरेशन, विंटर ड्यूरेशन चल रहा होता है, तो वहाँ पे आप फायर के पास बैठ के अपने आप को थोड़ा सा वार्म फील करो, एंड हैव अ बोल ऑफ पोरेज, वो उसको खाने को जो पका रही होती है पोरेज, वो उसको ऑफर करती है खाने के लिए, बिफोर यू स्टार्ट बिफोर यू स्टार्ट आउट गो इन द कोल्ड अगेन, देन यू मे हैव हाफ ऑफ आवर फायर इफ द किंग नीड इट। एंड द मैसेंजर डिड द लिटिल गर्ल डिड एज द लिटिल गर्ल सेड, देन ही लिफ्टेड अ स्मॉल ब्राइट कोल फ्रॉम द फायर एंड पुट इट इन हिज लैटन। तो वो उससे क्या बोलती है, आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के इसको खा लो, अपने आप को वार्म कर लो, फिर आपको जितनी भी फायर चाहिए होगी, किंग को ज़रूरत होगी फायर पैलेस के वहाँ पैलेस के लिए, आप उतनी लेके चले जाना। द मैसेंजर, मैसेंजर क्या कहता है, जैसा लिटिल गर्ल कहती है वो वैसे ही करता है, वो वहाँ पर नियर टू द फायर बैठ जाता है, एंड स्टार्टेड ईटिंग द पोरेज जो भी उसके पास खाने के लिए होता है। देन द फिर जैसे ही वो खा पी के ओवर करता है, तो वो क्या करता है, देन ही लिफ्टेड अ स्मॉल ब्राइट कोल फ्रॉम द फायर एंड पुट हिज इन हिज लैटन। तो वो क्या करता है, अब वो जो ब्राइट कोल्स वहाँ पे दिखते हैं उसको फायर में, वो उस कोल को उठा के अपने लैटन में फिल करने लगता है, उसमें लैटन में रखने लगता है। इट विल नेवर बर्न ऑल द वे बैक टू द पैलेस दो द मैसेंजर थॉट द मैसेंजर विथ ईच स्टेप ही टुक द कोल ग्रीव ब्राइटर, इट लिट अप द डार्क रोड एज इफ द सन वॉज शाइनिंग एंड वार्म्ड हिम टू। तो वो क्या करता है, वो क्या करते हैं जब वो स्मॉल उसको रखने कोल को रखने लगता है, जो ब्राइट होते हैं ना, मतलब कम जलते हुए दिखते हैं, तो वो उनको उसमें रखने लगता है कि जब तक मैं पैलेस पहुंचूंगा तब तक ये बुझेंगे नहीं। तो वो क्या करता है, उसको जल्दी जल्दी रख के वहाँ से निकलता है। इट विल नेवर बर्न ऑल द वे बैक टू पैलेस, जब तक मैं पैलेस पहुँचूंगा तब तक ये बर्न नहीं होंगे, मीन्स जल के ख़त्म नहीं होंगे, मैसेंजर ऐसा सोचता है। विथ ईच स्टेप ही टुक द कोल ग्रीव ब्राइटर, बट उसके साथ क्या होता है, अब उसके साथ क्या होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है, ही इज़ रीचिंग नियर टू द हिल, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है और हिल के नियर पहुंचता जाता है, वैसे वैसे वो देखता है जो कोल होता है ना, देवर ब्राइटर, मतलब वो और तेज़ी से चमकने लगता है, और तेज़ी से फायर करने लगता है, मतलब उसमें आग तेज़ होने लगती है। इट लिट अप द डार्क रोड एज इफ द सन वॉज शाइनिंग एंड वार्म्ड हिम टू, वो ऐसी रोशनी देता है जैसे लगता है कि डार्क रोड पे जब सन की शाइनिंग होती है, मींस अंधेरे से सुबह वैसी होती है, सन की शाइनिंग होती है तो वैसी वाली शाइनिंग होती है, एंड इट्स वार्म्ड हिम टू, और वो उसको गर्मी भी दे रहा होता है, मींस द कोल इज़ बर्निंग, तो वो उसको वहाँ पे ठंड भी नहीं लगती है। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस द कोल वाज स्टिल बर्न्ड एंड ग्लोड, तो जैसे ही वो पैलेस पहुंचता है वो देखता है कोल तब तक जलता रहता है और ग्लो भी करता रहता है। एज सुन एज ही टचेज इट टू द ग्रे लॉग्स इन द फायर पैलेस दे बर्स्ट इनटू फ्लेम, और जैसे ही वो उसको टच करके वहाँ पे फायर पैलेस में रखता है, फ्लेम्स अचानक से क्या होती है, वहाँ की फ्लेम्स जल जाती है, एंड द फायर बर्न्स अगेन वार्म द पैलेस फॉग, और फिर से क्या हो जाता है, पैलेस में फायर पूरी तरह फायर जो है जलने लगती है, एंड कीप द पैलेस फॉग वार्म, और पैलेस को क्या करती है, वहाँ के जितने भी पैलेस के लोग जितने भी होते हैं उनको अगेन क्या करती है, वार्म कर देती है, मीन्स दे वर ऑल्सो फीलिंग द वार्म, उनको ठंड लगना बंद हो जाती है, दे फील वार्म देयर, दे रियलाइज दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेल्फलेस लव। तो यहाँ पे मैसेंजर को क्या लगता है, वहाँ के लोगों को क्या लगता है जब मैसेंजर बताता है, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द सेल्फलेस लव हैड कम विद द कोल फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स कॉटेज, जो कोल वो कॉटेज से लेके आया है लिटिल गर्ल के घर से, वो सेल्फलेस लव था, मतलब वो अपने बारे में नहीं सिर्फ सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि दैट द पीपल्स आर लिविंग इन द पैलेस दे वो ऑल्सो फीलिंग द कोल्ड, और उनको रिक्वायरमेंट है, उनको ज़रूरत है, दैट्स वाई द गर्ल सेड, गर्ल्स क्या बोलती है, माँ लिटिल गर्ल क्या बोलती है, पहले आप पॉडरिज खा लो, वार्म के अपने आप को वार्म कर लो, देन आप जितना भी कोल चाहिए आप पैलेस के लिए लेके चले जाना, जितनी भी किंग को नीड हो। तो
तो जब मैसेंजर आता है उसको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि फायर अभी तक जल रही थी। एंड सेकेंड थिंग, उसको जैसे ही वो फायर बॉक्स वहाँ पे फायर जहाँ पे जलती है फायर प्लेस में वहाँ पे रखता है, तो फायर कैसी हो जाती है, दे बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, मतलब फायर बहुत तेज़ी से जलने लगती है, पूरी आग उठने लगती है। तो वहाँ लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ होता है, वहाँ के लोगों को लिए अगेंस्ट, मतलब वहाँ तो गर्मी होने लगती है क्योंकि फायर जलने लगी है, तो दे फीलिंग वार्म्ड। सो वहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ द सेल्फलेस लव, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है जब वो कोल लेने जाता है तो पहली वाले मैन डिमांड करता है, सेकेंडली जब वो जाता है तो वुमेन से मिलता है वो भी डिमांड करती है, लेकिन जब वो थर्ड टाइम जाता है कॉटेज में वहाँ वो लिटिल गर्ल को देखता है तो लिटिल गर्ल कोई चीज़ की डिमांड नहीं करती, बल्कि वो उसको खुद ऑफ़र करती है खाने को, और खाने पॉटरीज ऑफ़र करने के बाद वो क्या करती है कि वार्म अपने आप को वार्म कर लो और फिर आराम से आपको जितनी भी चाहिए लेके चली जाना, इन रिटर्न वो कुछ भी नहीं मांगती है। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फलेस लव, मीन्स रेडी टू हेल्प अदर, रेडी टू केयर अदर, रेडी टू गिव लव टू अदर, मतलब हर चीज़ में हमें रिटर्न में गिफ्ट चाहिए होता है, वो नहीं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या होता है, उनका लव कैसा होता है, सेल्फलेस। हम लोग के उसमें देखो तो दे वर ऑलवेज हैविंग द सेल्फलेस लव, वो कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा क्या करते हैं, हम लोग की हम सब जितने भी ब्रदर सिस्टर्स होंगे हम लोग के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। सो मदर लव इज़ द सेल्फलेस लव, फादर लव इज़ द सेल्फलेस लव। सो हेयर इज़ द स्टोरी फिनिश। तो वट यू अंडरस्टैंड बाई द स्टोरी, क्या समझ में आया इस स्टोरी से? सो फ्रॉम द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, हमको इस स्टोरी से क्या मॉरल मिला, दैट वी शुड ऑलवेज हैविंग द सेल्फलेस लव, हमको भी सेल्फलेस लव के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमको कभी भी डिमांड नहीं करना चाहिए, इन रिटर्न हमको कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बिकॉज एवरी वन नीड समथिंग, अगर एवरी वन नीड समथिंग, अगर हमें दूसरे को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड वी शुड ऑलवेज शो द सेल्फलेसनेस टू द अदर, बिकॉज जो लोग पैलेस में रह रहे थे दे वो फीलिंग वेरी वेरी फ्रीजिंग, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, पैलेस में फायर लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, एंड फैरेंस पैलेस कहाँ पे था, एट द टॉप ऑफ द हिल, वहाँ पे उनको ठंड से सब लोग ट्राई कर रहे थे बट नहीं जल रही थी। एंड वेन द पीपल नीड हेल्प, सो वी शुड ऑलवेज शोइंग द सेल्फलेस लव, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हमको भी हर चीज़ के लिए हम लोग को हर चीज़ के लिए डिमांड करने, हमको हर चीज़ के लिए रिटर्न में कुछ चाहिए, वी शुड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर बाय शोइंग द सेल्फलेस लव। ओके क्लास, सो हियर स्टोरी इज फिनिश्ड, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू एवरीवन।